नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज वन इंडिया में। मैं हूं आपके साथ शिवानी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। सीएम योगी का दौरा स्थगित हो गया, बड़ी खबर आपको बता दें। मौसम को देखकर सीएम योगी का दौरा स्थगित हुआ। 3 जिलों का हवाई दौरा करने वाले थे सीएम। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद का दौरा स्थगित कर दिया गया। कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम भी सीएम का स्थगित हो गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां खराब मौसम के कारण ये फैसला लिया गया। 3 जिलों का हवाई दौरा करने वाले थे सीएम योगी आदित्यनाथ। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद का दौरा फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने वाले थे, ये कार्यक्रम भी स्थगित किया गया। सीएम योगी का दौरा स्थगित हो गया है, मौसम को देखकर यह फैसला लिया गया। बड़ी खबर आपको बताते हैं, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 3 जिलों का हवाई दौरा करने वाले थे, हालांकि खराब मौसम के कारण इन दौरों को स्थगित किया गया है। मेरठ, बागपत और गाजियाबाद का दौरा स्थगित किया गया। बड़ी जानकारी आपको बताते हैं, कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। ये बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, सीएम योगी का दौरा स्थगित किया गया। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां सीएम योगी का दौरा स्थगित, मौसम को देखकर सीएम योगी का दौरा स्थगित हुआ है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 3 जिलों का हवाई दौरा करने वाले थे सीएम। तो मेरठ, बागपत और गाजियाबाद का दौरा सीएम योगी आदित्यनाथ करने वाले थे, हालांकि खराब मौसम के कारण इसे स्थगित कर दिया गया। साथ ही कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करने का कार्यक्रम भी स्थगित किया गया है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, जहां सावन महीने का महाशिवरात्रि आज, और ऐसे में सभी शिवालयों में शिवमय भक्त नजर आ रहे हैं और कांवड़िया आज जल चढ़ा रहे हैं। आज आखिरी कांवड़ है और ऐसे में कांवड़ियों पर सीएम योगी आदित्यनाथ पुष्प वर्षा करने वाले थे, उसको भी स्थगित कर दिया गया है। अधिक जानकारी के लिए संवाददाता केके शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। केके शर्मा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का हवाई सर्वेक्षण था, दौरा था, ऐसे में उसे स्थगित कर दिया गया, क्या कुछ पूरी जानकारी? यही, अचानक ही 11th आवर पर यह दौरा स्थगित किया गया। 3 जिलों में जाना था, दूधेश्वर महादेव गाजियाबाद, फिर पूरा महादेव बागपत और फिर मेरठ का अवरनाथ मंदिर। यहाँ पर लाखों कांवड़िया आज जल से अभिषेक करने वाले हैं 3:30 बजे से, उसको लेकर ये दौरा बनाया गया था। लेकिन जिस तरीके की 2 दिन की परिस्थितियां थी, उससे सभी राजनीतिक कार और प्रशासनिक अधिकारी मान रहे थे कि ये दौरा स्थगित कर दिया जाएगा, क्योंकि कल डीएम मेरठ दीपक मीणा और SSP विपिन टाटा ने हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करी थी। और आज सुबह 8 बजे जो मंडल की कमिश्नर है, कमिश्नर सेल्वा कुमारी जे और IG रेंज है नचिकेता झा, उन्होंने भी पुष्प वर्षा की थी। तो ऐसे में सभी लोग ये गणना लगा रहे थे कि शायद मुख्यमंत्री का दौरा स्थगित कर दिया जाए, क्योंकि इस समय 11th आवर पर जब पूरा प्रशासन कांवड़ियों को संभालने के लिए लगा रहता है, ऐसे में विशेष व्यवस्था करना प्रशासन के लिए, लोकल प्रशासन के लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। और शायद इसलिए ही पहली 2 पुष्प वर्षा प्लान की गई थी, जिससे कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा करकर उनका हौसला वर्धन, उनकी हौसला अफजाई की जाए, उत्साह वर्धन किया जाए। एक बात और, जिस तरीके की राजनीतिक परिस्थितियां और जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा वर्जन दिया है कि मैं अपनी प्रतिष्ठा के लिए काम करने आया हूँ, मैं नौकरी करने नहीं आया हूँ, उससे देखकर लगता है कि जो प्रशासनिक फैसले लेने हैं उसके लिए आज मुख्यमंत्री का लखनऊ में होना बहुत जरूरी था, शायद इसलिए भी स्थगित किया गया है। हमारी 2-3 राजनीतिक सूत्रों से बात हुई है, उन्होंने ही ये बात हमको बताई है। लेकिन एक बात तय है कि पिछले 3-4-5 सालों में ये पहला मौका है जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद पुष्प वर्षा करने नहीं आए, उन्होंने अपने प्रशासनिक अमले को इस पुष्प वर्षा पर लगाया है, लोगों में निराशा है। ठीक है केके शर्मा, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो 3 जिलों का हवाई दौरा करने वाले थे सीएम, जिसको रद्द कर दिया गया है। और इसी के साथ अधिक जानकारी के लिए संवाददाता SK वाजपेयी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। SK वाजपेयी, 3 जिलों का दौरा था मुख्यमंत्री का और ऐसे में इसे स्थगित कर दिया गया है, क्या जानकारी है फिलहाल आपके पास? बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बागपत, गाजियाबाद और
गाजियाबाद के दौरे पर जाने वाले थे। हालांकि इस दौरे को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जो ऑफिसर्स हैं उनकी तरफ से निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि मेरठ और गाजियाबाद बागपत जिलों का मौसम जो है वो खराब है, क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हवाई सर्वेक्षण करने वाले थे। हालांकि इस हवाई सर्वेक्षण को फिलहाल स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि मौसम खराब होने की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नहीं जा रहे हैं, क्योंकि अब से थोड़ी देर बाद ही मुख्यमंत्री का हेलीकॉप्टर लखनऊ से रवाना होना था, लेकिन खराब मौसम की वजह से मुख्यमंत्री कार्यालय की तरफ से इस दौरे को निरस्त कर दिया गया है, क्योंकि जिला प्रशासन की तरफ से भी जो खराब मौसम है उसकी रिपोर्ट शासन को भेजी गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री का दौरा निरस्त हुआ है। ठीक है, इसके बाद में तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।